माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सावन के पहले सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, आज सावन का पहला सोमवार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी और शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक किया, तो बहुत अच्छा लगा। जो हमारे घर में छोटे से प्यारे से शिवलिंग है। कहाँ जा रहे हो? आज सब बहुत अच्छे लग रहे हो, ड्रेस पहन के हैं, प्यारे प्यारे बेबी लग रहे हो आप सब। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गुड बॉय है ना? जो आज आपको अच्छा लग रहा है ड्रेस पहन के, हैं? मजा आएगी आज? आज सुबह हम तुम्हारी फोटो खींचेंगे, हैं? फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अच्छे से फोटो खिंचाना, ठीक है? स्माइल करके, जैसे अभी स्माइल कर रहे हो। ओके बाय। आपको कैसा लगा स्कूल में आज? अच्छा, अच्छा लगा। मम्मा को देखो इधर, मजा आया? आज मैम ने फोटो खींची थी तुम्हारी, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाली। हाँ? चलो चलो, अच्छा ऊपर चलो, ऊपर गर्मी लग रही है ना आपको? चलो चलो चलो। गुड बॉय लग रहा है कृष्ण, चलो गुड बॉय कृष्ण। हेलो गाइस, वेलकम। ये देखिए मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। स्कूल में कैसा लगा कृष्ण को? अच्छा। मजा आया आपको? कृष्ण को स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण दो दिन स्कूल सैटरडे संडे नहीं गया था, तो कृष्ण कह रहा था मम्मी रोज रोज छुट्टी, मम्मी रोज रोज छुट्टी, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल छोड़ के आओ। अब कृष्ण को स्कूल जाना इतना अच्छा लगता है क्या कृष्ण? आज क्या सिखाया था मैम ने आपको? संडे की नहीं, संडे संडे मंडे सिखाया था। हाँ। और क्या सिखाया था? कुछ नहीं। और कुछ नहीं सिखाया। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का और मैं जा रही हूँ, पास में एक मंदिर है तो वहाँ पर जल चढ़ाने और फिर आके बनाती हूँ चाय। तो आज का व्लॉग की शुरुआत तो मैंने सुबह कर दी थी, तो देखते हैं आज क्या मैं बनाती हूँ। पास्ट के एक रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस, मैं मंदिर भी हो आई और अब मैंने बनाई अपने लिए चाय और चाय के साथ फास्ट है मेरा, तो बनाए मैंने ये मूंगफली के दाने और ये चाय। व्रत में तो बिना चाय के तो बनता ही नहीं है ना, और क्योंकि सावन का महीना साल मतलब ऐसा आता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत एक एक सावन का व्रत तो रखना चाहिए। बहुत लोग नहीं रख पाते तो आगे पीछे का रख लेते, मतलब पहला और आखिरी। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं सावन के चार या पांच, जैसे भी पढ़ते हैं, तो मैं उतने व्रत रखती हूँ। सावन के जितने भी सोमवार रहेंगे मैं वो फास्ट रखूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये अभी से नहीं, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी छोटी थी, होंगी सेवन्थ या एट्थ में पढ़ती थी, जब से मैं ये फास्ट रख रही हूँ। तो क्योंकि मेरी दीदी और घर पे बुआ लोग सभी लोग रखते थे, तो मैंने भी रखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर किसी ने बोला नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये फास्ट रखती हूँ। मुझे साल में कोई ऐसे मतलब व्रत पड़ते तो मैं रखती हूँ, लेकिन ये सावन के सोमवार में ज़रूर रखती हूँ। तो गाइस, इसमें सामने सब हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो मैंने भी कुछ हरी चूड़ियाँ लेके डाल ली हैं हाथों में, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था। तो गाइस गाइस, हम लोग सावन के सोमवार में एक टाइम भोजन कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ आलू और टमाटर की सब्जी बनाते हैं और पराठे वगैरह, पराठे या पूड़ी आप जो भी प्रेफर करते हैं वो आप खा सकते हैं। तो मैंने बनाई है ये देखिए, ये आलू टमाटर की मैं सब्जी बनाऊंगी सादी, सिर्फ हरी मिर्च और जीरा डाल के और सेंधा नमक डाल के,
और मैं बनाऊंगी फिर उसके बाद पराठे। तो मेरा जो आज का डिनर होगा गाइस तो वो यही होगा और आज मैं यही खाऊंगी और यही, मतलब आप दूध ले सकते हैं और कुछ भी ले जाना लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो बस आप साबूदाना की खिचड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। तो हमारे एक टाइम खाना खाया जाता है सावन के सोमवार में, तो हम एक टाइम खाना खा लेते हैं। बहुत लोग नहीं खाते हैं, वो फलाहार करके रहते हैं। तो आप जैसे भी रहना चाहें, जो भी आपको तरीका सही लगता है वो आप रह सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं और उन्होंने हम लोगों को व्रत करने की बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी हैं और बहुत ज़्यादा टफ व्रत नहीं होता है ये। तो बस इस व्रत को रख के मुझे अच्छा लगता है और मुझे वीकनेस भी नहीं आती है और मैं एक टाइम जो भी है थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो गाइज हमारा डिनर बनके तैयार हो गया और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।